ताज़ातरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर खबर सबसे पहले। लाहौर हाई कोर्ट ने चकवाल के मुकदमे में एंकर पर्सन इमरान रियाज की जमानत मंजूर कर ली। अदालत आलिया में इमरान रियाज की गिरफ्तारी और मुकदमा के अखराज से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। इमरान रियाज खान लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर अली नजफी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जम की जमानत जाती मुचलकों पर मंजूर की, जिसके बाद केस की मजीद समाअत 19 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने इमरान रियाज को मुखातब करते हुए कहा कि आप दाढ़ी के साथ अच्छे नहीं लग रहे। इस पर एंकर पर्सन ने जज को जवाब दिया कि कल कुर्बानी के बाद कटवा दूंगा। इस पर जस्टिस बाकर अली नजफी ने कहा कि आपके वकील ने यकीन दहानी कराई है, आप ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे मामलात खराब हों। इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं जिस भी अदालत में गया हूँ वहाँ मुझे इंसाफ मिला है। इमरान रियाज ने जज से कहा कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ, मैं कोई भी बयान नहीं दूंगा। दौरान समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि आपको हथकड़ियाँ तो नहीं लगी। इस पर इमरान रियाज ने जवाब दिया कि हथकड़ियाँ आप उतर गई हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से इस्तदा की कि चकवाल वाले केस में इन्हें जमानत दे दें क्योंकि इसके सिवा किसी और FIR में गिरफ्तारी नहीं है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो लंबा चौड़ा ऑर्डर सोचकर आया था जिस पर अदालत में कहके लग गए।